सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुबह हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। और अब हम जाएंगे जिम करने, और छोड़ो, हमारे जिम करने जाएंगे, कंपटीशन होगा वहां पे लंबी कंपटीशन भी होगा, चैलेंज भी लगेगा। और और आज हम रात जो जिम करेंगे वो करेंगे अनुज भाई और पवन चेची भाई के साथ में, कंपटीशन तो अलग कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी हम जाएंगे जिम, और जिम जाके आपको एक्सरसाइज बताएंगे, लेकिन स्ट्रेचिंग करते हुए यहाँ पे। भाई यार तो नहीं है, वीडियो जो निकली सी ना मुझे अपने जिम में डाल दो। ठीक, हां की जो मेरी जिम में मेरे विनर है वो ये मशीन यूज करें, मैं चाहूंगा कि ये मिले। बिल्कुल, थोड़ा लग रहा है एकदम अलग है ये। सही यार, स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी, मजेदार। चल भाई अंकित, 1 2 हिले मत ज्यादा, मूव मत हो, 3 4 हाथ ऊपर ले, 5। अब देख करके फर्क है जमीन आसमान का, हिलना ना चाहिए मसल, फिर वेट ना ले पाती, हाथ पे वेट आ जा सारा। बहुत बढ़िया, चल 5 और ले, 5 4 3 2 1 डन। ओके, कैसा लगा वाली एक्सरसाइज, मैंने पहले कर रहे हैं आप? मजा आया, आपने बहुत हेल्प करी मेरी, है ना। पोजीशन सही होनी चाहिए सबसे पहले, पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो थैंक्स अनुभिया। ओके, लेप होता है पूरा हट का इस सब बैक पार्ट से, उसके लिए एक्सरसाइज भाई आपकी। ये बस मैं यही हुआ है। कितने का बाइसेप्स होगा आपका? आज तक ना को बाइसेप्स लो अपने टेब लो तो समान ही ना पे समान, कौन सा समान? होल्डर मसल जितने कांटेक्ट में आएगी उतनी बढ़िया होगी। चल चल बस, चल बस, प्रॉफिट चल, मत खोले। ओके चल चल, बहुत बढ़िया। पवन भाई को बाइसेप्स करना तगड़ा भाई, देखियो तो अंडा खड़ा होगा तो। एनी टिप्स, जिम में कोई आता है नया नया बंदा तो? ये जो देखो जिम वालों के लिए टिप्स है, सबसे मेन चीज़ है कि आपकी प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है बिगिनर्स के लिए, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस है तो आप जो फर्स्ट टाइम जैसे बच्चे का हाथ करके लिखवाते हैं ना, फिर वो वही लिखता है जो हम बोलते हैं उसी तरीके से लिखता है। तो जिम का भी एक रूल है कि जो आप फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में जो सीखोगे, फर्स्ट टाइम सीखोगे, पोजीशन वही आपकी रहेगी, ठीक है। अगर आप गलत सीखोगे तो गलती आप करोगे, और अगर आप सही सीखोगे तो पूरे टाइम सही करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना बिगिनिंग करते हैं ना, तो उस टाइम आपके लिए सबसे मेन चीज़ है पोजीशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जो वर्कआउट हम अगर बैक का कर रहे हैं तो बैक की मसल उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये नहीं कि बैक का वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें बाइसेप्स हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो रहा है, शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस चीज़ में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि ये मत सोचो कभी कि वेट मारने से बॉडी बनती है, वेट मारने से नहीं। बहुत लोगों की मैंटेलिटी ये है कि वेट मारने से बॉडी बनती है, वेट मारने से नहीं बॉडी बनती है, आपके शेड्यूल, डिसिप्लिन, और सबसे मेन चीज़ जो है आपका फोकस, मसल कंटेंट जिसे बोलते हैं ना, कि मसल के साथ आप जुड़ के एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज करने के बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डाइट, डाइट का मेन रोल है। तो जो भी बिगिनर सोचते हैं ना कि हमें बॉडी बनानी, सप्लीमेंट आप लो, बट ये भी मत सोचो कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी। आप जिम नहीं जा रहे सप्लीमेंट ले रहे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो वर्कआउट चाहिए, मेहनत चाहिए। तो सप्लीमेंट भी जब ही आपको रिजल्ट देगा जब आप मेहनत करोगे, तो वही बात है जितना आप गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, तो जितना आप वर्कआउट करोगे उतना निखरोगे। थैंक यू, रुक जाओ,
भाई हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है बैक का बेंड ओवर, और बेंड ओवर में क्या होता है कि हमें अपनी बैक के लिए वर्कआउट है लोअर बैक के लिए, तो इसमें क्या है कि हमें अपनी बैक को रखना है स्ट्रेट और फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइट नहीं करनी, और इसका पोजीशन जो रहेगा वो रहेगा ऐसे बैक स्ट्रेट ऊपर का पार्ट आपका मूव हो ऐसे आर्क बनाएंगे। हाँ हाँ कहीं ना कहीं आप वो अपनी इंजरी ले बैठेंगे इसमें। आप पहले रोमन चेयर स्टार्ट करिए, ठीक है, उसके बाद फिर खाली रोड से, फिर वेट अपने अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे इसका पोजीशन बनती है। ऐसे नहीं कि एकदम से आप सोचोगे परफेक्ट हो जाओगे, तो वही मैंने बोला है कि प्रॉपर गाइडेंस में करें, कोई प्रॉपर गाइडेंस। तो आज हम बात कर रहे हैं पवन भाई से कि आप किस वजह से जो है जिम के लिए मोटिवेट हुए थे। मैं, हाँ जी, मेरा शुरू से ही मैं खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, ये जिम ही नहीं, जिम के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स है ना सबके लिए पूरा समर्पित हूँ। हाँ। चाहे कोई सब गेम हो, चुल्ला मेरे अंदर चुल्ल कुछ करने की। हाँ। और वो पहले से ही है, पहले से ही है। हाँ। और अब तो ऐसी आदत पड़ गई जब तक जिम ना करता ना तो मैं सारी औखी ना खुलती। और जिम करने के बाद पूरे दिन फ्रेश रहूँगा, फिर बहुत अच्छा माइंड रहेगा, एकदम पॉजिटिव माइंड रहेगा, उससे कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे सुबह मॉर्निंग जिम करने से। तो ये चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगी। मैं तो आप सबसे बोल रहा हूँ कि वर्कआउट करो चाहे कैसा ही करो, हाँ जी, हाँ जी, चाहे कार्डियो करो या वेट से करो, मत करो, बिना वेट के करो, पर करो सुबह उठ के, सुबह उठ के, या दही है थोड़ा कष्ट दो, कष्ट दो, तुम यहाँ कष्ट दोगे यू तुम्हें मस्त रखेगी पूरे दिन। ओके। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो वो है पोजीशन, पोजीशन आपकी होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो भाई हैं अपने इंस्टा पे, वो मैसेज करते हैं भाई आपके शोल्डर बहुत अच्छे हैं, ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं। तो भाई ट्रैक्स मैं कब लेता हूँ मैं बता दूँ आपको, मैं बैक के साथ लेता हूँ ट्रैक्स, और जो वर्कआउट कर रहा हूँ इसे ही करता हूँ मैं किसी ना तक कोच की वो करता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, मैं इसे बैक के साथ ही करता हूँ ट्रैक्स। ये मुझे सुंदर भाई ने बताया, बहुत पुराने जिमर हैं वो, बहुत दिन से जिम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज बताई, मुझे इफेक्टिव है, अब से ना कर रहा हूँ, मैं से 4-5 साल से ही कर रहा हूँ, मैं ट्रैक्स से बहुत इम्प्रूव हुए बहुत ज़्यादा, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये है ट्रैक्स के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ट्राई करके देखना, बहुत इम्प्रूवमेंट है जिसके, जिनके ट्रैक्स बहुत कम है, तो ये बार बार रिकॉर्ड करो, ये बहुत ही इफेक्टिव है, 10-10 के रहते 10-10 रहते 4 वेरिएशन। तो अच्छा भैया एक बात बताओ कि आजकल हम देखते हैं कि जिम में बहुत ज़्यादा अटैक आते हैं, तो उसका क्या रीज़न है सबसे बड़ा? देखो भाई सबसे बड़ा रीज़न, देखो कुछ अपनी उनकी इंटरनली डिजीज भी होती हैं, और जो जिम की वजह से जो बोल रहे हैं जिम की वजह से होता है ऐसा कुछ नहीं है। पता आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोगों का ध्यान बस बॉडी बनाने पे है कि मेरे बाइसेप्स अच्छे हों, मेरे चेस्ट अच्छी हो, मेरे मतलब मसल्स अच्छे हों, बट कोई ये नहीं जानता कि सबसे पहले जो बॉडी में चाहिए सबसे पहले वो चाहिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, और सबसे जो इन सब का मेन पार्ट है वो है कार्डियो। हम कहीं ना कहीं कोई भी आप देखना बंदा आप आएगा डायरेक्ट वो अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता है, उससे पूछेंगे कार्डियो, तो कार्डियो बोलता भाई डेली वॉक, यदि वॉक कम करनी है आप ट्रेडमिल कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप बाहर वर्कआउट मतलब रनिंग करते हैं, तो हमारा कार्डियो बिल्कुल रहा ही नहीं है, जिससे जो भी हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आजकल बंदा है कोई भी
उसको क्या चाहिए सबसे पहले आते तो प्री चाहिए, ठीक है, प्री के बाद वो वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट क्या करते हैं, आधा वर्कआउट फोन करता है, आधा वर्कआउट वो करते हैं। तो अपना एक घंटे के लिए जो वर्कआउट करना है ना, उसमें आपका फ़ोन होना चाहिए साइड, ठीक है। और मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेन बात है हमारा कार्डियो, कम से कम कुछ भी नहीं तो आधे घंटे या 45 मिनट का हमारा कार्डियो होना चाहिए, 15-20 मिनट रनिंग या वॉकिंग, 10 मिनट साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपना यूनिक जो स्टाइल बना रहे हैं ना, वो अपना बना रहे हैं बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमें अपनी लाइफ में ऐड करना वो हमारा कार्डियो। कार्डियो के साथ आप फिट रह सकते हैं, और आज की डेट में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का मैं बताता हूँ, बॉडी आप फिट रखने का जो कारण है ना, बॉडी आप सप्लीमेंट लोगे, आप बॉडी कर लोगे फिट, बट जो कार्डियो है ना, उसमें सप्लीमेंटेशन की आपको नीड है तो लो, नहीं तो आप अपना प्रॉपर भी चल सकते हैं कार्डियो पर। जो हमारी मसल्स है, जो हमारी वेन्स है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो मेन चीज़ हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये हेमरेज, ये अटैक से इसलिए आते हैं कि हमारे ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं, जो मतलब रोटेशन नहीं हो पाती, और जो हमारी हार्ट की पंपिंग है ना, वो कहीं कमज़ोर हो जाती है। तो रनिंग से हमारा ये बेनिफिट मिलता है कि पंपिंग पूरी प्रॉपर रहती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, आप इतने बड़े लाइफ स्टाइल में जी रहे हो तो 3 महीने में या 6 महीने में आपका एक बॉडी रूटीन टेस्ट जरूर बनता है, आप वो करा लें। और जो भी आपको मतलब ओपिनियन चाहिए तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि डॉक्टर की ओपिनियन सबसे पहले है, क्योंकि वो एक रिपोर्ट देख के बोलता है, और जो और लोग हैं वो आपको ऊपर से देखेंगे, बट आपके अंदर क्या चल रहा है ऑर्गन्स में वो नहीं बता पाएंगे। तो मेन चीज़ ये है, कार्डियो अपनी लाइफ में और लाइफ स्टाइल में अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें, ठीक है। जिम की एंट्री करते हो अनुज भाई, कर दी कर दी।